लेकिन जर्मनी की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर को देखकर फ्रांस चौकन्ना हो जाता है। फ्रांस अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर 450 किलोमीटर लंबी फोर्टिफिकेशन खड़ी कर देता है, जिसका नाम दिया जाता है द मैग्नॉट लाइन। ईयर 1938, हिटलर को जब लगता है कि उसकी मिलिट्री प्रिपेयर हो चुकी है तो वो अपनी पहली नजर डालता है बगल के एक देश ऑस्ट्रिया पर। ऑस्ट्रेलिया का देश हिटलर के लिए मस्ट हैव देश था। वह चाहता था कि सारे जर्मन स्पीकिंग देश एक देश बनकर रहे। हिटलर खुद ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गांव में हुआ था जो जर्मन बॉर्डर पर था। हिटलर बचपन से ही जर्मन विचारधारा से बहुत प्रभावित था। उसका यह भी मानना था कि ऑस्ट्रेलिया कभी इंडिपेंडेंट कंट्री था ही नहीं, वह तो शुरू से ही जर्मनी का हिस्सा था।